अंदर आपको भट्टी दिख रही होगी, वुड फायर है। देख रहे हो चीज को, देख रहे हो तंदूरी माखनी पिज्जा ट्राई करना, अमेजिंग, बिल्कुल टाइट है नीचे से। चीज़ी लग रहा है काफी ज्यादा। ओहो पिज्जा देखो भाई एक बारी, तो सुरंग से आ चुका है बाहर हमारा ब्रुशेटा। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सैंड। दोस्तों हम आ चुके हैं सूरत में राहुल राज मॉल के जस्ट पीछे, और यहाँ पर मुझे भाई एक कार्ट दिखे भाई, जो कि हमें ब्रिक पिज्जा खिला रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत बढ़िया लगी ये कार्ट, और इनका जो सिस्टम है ना, इन्होंने जो अपना बना रखा है बहुत बढ़िया लगा। बाकी टेस्ट करते हैं, यहाँ जो पिज्ज़ा मिलने वाला है ना वो वही हमें थोड़ा गुजराती स्टाइल भाकरी वाला पिज्ज़ा मिलने वाला है, लेकिन इसमें चीज़ पूरी मेल्ट होगी ऊपर से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, और ओरिजिनल पिज्जा का भी और वो भाकरी वाले पिज्जा का भी। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इनके पास चलते हैं, इनका पिज्जा ट्राई करते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पे अपना तंदूरी पिज्जा बनेगा। पहले तो बेस ये कौन सा है, ये तो अलग सा लग रहा है, वैसा लग रहा है ये तो, ये इसमें गेहूं का आटा आता है, भाकरी वाला लग रहा है। हाँ इसमें गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स आता है। अच्छा सही है, पिज्जा सॉस ये भाई वो गुजरात वाला जो भाकरी हमने, भाकरी कहते हैं ना, भाकरी कहते हैं, कड़क सी होती है, थिन क्रस्ट बनता है, थिन क्रस्ट रहता है। ये खुद रेडी करते हो? सो प्याज, ये तंदूरी वाला आपका सबसे बढ़िया वाला है। वैसे रेट में तो इससे ऊपर वाले भी हैं, 300-300 रुपए तक, लेकिन आपने कहा कि सबसे बढ़िया ये है। 180 वाला। टमाटर, कैप्सिकम, साइज एक ही है, एक रेगुलर 8 इंच, और एक कॉर्न्स, फिर आ गया पनीर, ऊपर से तंदूरी सॉस, लिक्विड चीज़ है, चीज़ ब्रांड, और ऊपर से आ गए भाई मोज़रेला। बहुत सही, ये देखिए मैं इस ओवन की बात कर रहा था, अंदर आपको भट्टी दिख रही होगी, वुड फायर है। भैया आप ये फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ फ्रेंचाइजी। तो इसमें क्या ये ओवन वगैरह भी रहता है? पूरा सेटअप आ रहा है। ठीक है, और एक ब्रुशेटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे बढ़िया पिज्ज़ा तो भैया ने हमें बताया कि भाई तंदूरी वाला है, और गार्लिक ब्रेड में इन्होंने कहा ब्रुशेटा सबसे बढ़िया वाली है। कितने पीस रहते हैं इनमें? 5 पीस। पहले आ गई पिज्ज़ा पास्ता सॉस, अभी 1 महीना ही हुआ है मेरे। 1 महीना हुआ, इतनी जल्दी फ्रेंचाइजी आप स्टार्ट कर दिया आपने? दिन पहले मैंने 1 साल मैंने चलाया घोड़ोपद रोड पे। अच्छा पाल में। अच्छा सेटअप कितने का तैयार हो जाता है? पूरा 4.5 लाख। 4.5 लाख में इसमें ओवन में इंक्लूड रहता है, और ये टेम्पो भी रहता है साथ में पूरा है। सही है, 4.5 लाख तो है। और ये टमाटर, कैप्सिकम, तो फ्रेंचाइजी में क्या क्या देते हो आप इसमें? पूरा सेटअप आ जाता है, सिर्फ सेटअप आता है, और रेसिपी वगैरह? रेसिपी मैंने मतलब मैं ही देता हूँ पूरी। ठीक है, और वर्कर वगैरह? वर्कर भी मतलब या खुद करना पड़ेगा काम? खुद ही करना पड़ेगा, काम खुद ही करना पड़ेगा, बाकी सेटअप आ जाएगा। इसके बाद ऊपर आ गई ब्लैक ऑलिव्स, बढ़िया पिज्जा अपना आ गया क्या? बता दीजिए, पहले निकालना मत, अभी बताना पहले। और ये आ गई चीज़ ब्लेंड, उसके बाद भाई मोज़रेला ऊपर से, सही लग रहा है यार।
ठीक है। और ये अपने ब्रुशेट अंदर चले गए और पिज्ज़ा निकलने वाले क्या? जाने वाला, आने वाला है। तो भाखरी वाला पिज्ज़ा, मतलब वहाँ पे तो हमने खाया था अंदर बाद में, जिसमें चीज़ ऊपर से डाल रहे थे, पका नहीं रहे थे चीज़ को, यहाँ पे पूरा पक्के मिलेगा आपको। बढ़िया भट्टी बना रखी है, हाँ सुरंग सी लग रही है, बाहर से इतनी बड़ी लग रही, अंदर से ज़्यादा बड़ी लग रही है। ये देखिए थोड़ा आपको ये तो है कि हाथ लगाना पड़ता होगा, बार बार चेंज करना पड़ता होगा डायरेक्शन इसमें पकाने के लिए। ओहो पिज्ज़ा देखो भाई एक बारी, ठीक है। अब इसके बाद होगी भाई इसकी कटिंग, ये ज़्यादा तो नहीं पक गया, थोड़ा नहीं थोड़ा क्रिस्पी ऊपर से ज़्यादा लगा है। अरे ये भाई मैक्सिमम नाइफ भाई आपको सूरत में मिलेगा सबसे ज़्यादा। भाखरिया मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका होगा नीचे से, ऊपर से भाई सीजनिंग। चलिए फिर टेस्ट करते हैं इनका भाखरी वाला पिज्ज़ा तंदूरी। अभी मुझे दोनों का टेस्ट लग रहा है देगा, एक तो हमारे गुजराती पिज्ज़ा का, ये पहले एक बार चीज़ को देख लो है ना, गुजराती पिज्ज़ा का क्योंकि भाखरी है नीचे, और जो हम नॉर्मल पिज़्ज़ा खाते हैं चीज़ वाला पकी हुई चीज़ का, तो दोनों का स्वाद देगा। आओ उठाओ ना, चलिए टेस्ट करें। बिल्कुल टाइट है नीचे से, मुझे भाखरी अलग ही लग रही है नीचे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कुछ क्रंची सा कोई, बिल्कुल ही क्रंची है एक्चुअली, असली बेस से भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे 300 रुपये का भी पिज्ज़ा था, मैंने कहा भैया मुझे सबसे स्पेशल वाला चाहिए, कह रहे नहीं आप उसको मत जाइए, आप 180 वाले पे जाइए, तंदूरी पिज़्ज़ा हमारा सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे टेस्टी है, कमाल है, बहुत टेस्टी है। स्पेशल तो उसमें भाखरी बना रहा है, नीचे से आप देखोगे ना बिल्कुल ही ठोस वो वाली बात आ रही है। ठीक है, तो सुरंग से आ चुका है बाहर हमारा ब्रुशेटा एंड इट लुक्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहा है। 5 पीसेस क्या प्राइस है इसका? 130 रुपया। अच्छा सही, बढ़िया लग रहा है यार, चीज़ ही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, हल्का सा चीज़ फूल देखने को भी मिल रहा है। चलिए फिर ये दोनों इनकी बेस्ट आइटम्स हैं, इनको ट्राई करते हैं। उसके बाद इनका ब्रुशेट है, आइए युवराज भाई इसको भी टेस्ट करते हैं। देख रहे चीज़ फूल देख रहे हो, जितना हार्ड वो बेस था उतनी सॉफ्ट ब्रेड है, ऑल दो ये किसी किसी को ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है ब्रेड, पर ये सॉफ्ट में भी बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया। और भाखरी पिज्ज़ा अलग लेवल, सॉरी तंदूरी पिज्ज़ा अलग लेवल का था, तो ज़रूर इनका पिज्ज़ा ज़रूर ट्राई करना है आपको, बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहे हैं अपने गुजरात से भी और इटालियन पूरा मिक्स भी कर रहे हैं। अहमदाबाद में थोड़ा सा मुझे वो टेस्ट अच्छा था, जैसे जैसो बन का मैंने ट्राई करा था, भाखरी ही यूज़ करते हैं लेकिन ऊपर की चीज़ पकाते नहीं है, कच्चा चीज़ का थोड़ा रहता है, उसका भी अलग टेस्ट होता है, टेस्ट तो भी अच्छा लगता है लेकिन ये अलग लेवल का लग रहा है, बहुत बढ़िया स्वाद और रेट भी ठीक है ना, बाकी जब मैं थोड़ा महंगा मिल रहा है आपको ये ठीक रेट में है। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं रात के, भैया टाइमिंग क्या है, किस टाइम लगाते हो, ख़त्म कितने बजे करते हो? शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे, 5 से 11 अभी तो 12 बज रहे हैं वैसे। इसमें क्या कभी कभी पुलिस वाले की गाड़ी आ जाती है, मतलब बंद करवा देते हैं। अच्छा पुलिस वाले बंद करवा देते हैं, 12 बजे रेगुलर से चलता ही है, 12:30 बजे 12:30 बज जाते हैं, पर से कभी कभी पुलिस वाले बंद करवा देते हैं, कभी 11 बजे बंद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा कुछ गिर गया क्या मेरा? आधा हो गिर गया, पर कोई छुट्टी भी लेते हो क्या? नहीं छुट्टी एक दिन, कोई छुट्टी नहीं है, आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तंदूरी भाखरी पिज़्ज़ा ट्राई करना, अमेजिंग है, मज़ा आ जाएगा।